Hi everyone, welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीन ऑफ क्राइम की, लेक्चर नंबर 5, यूनिट नंबर 5 आपके सिलेबस का, जिसमें हम आपका सीन ऑफ क्राइम जो यूनिट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूनिट नंबर 4 तक का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। Yes, you heard it right. हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। जैसे कि मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे चल रही हूँ। टाइम टेबल मैंने कम्युनिटी पेज पर अपलोड कर दिया है, पूरे महीने का टाइम टेबल मैंने डाला हुआ है। तो CUET PG की क्लासेस यहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को। आपको मिलेगा डेली वीडियो शाम को 6 बजे। चलो शुरू करते हैं हम, और आज हम पढ़ेंगे कि सीन ऑफ क्राइम वाली जो यूनिट है उसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज क्राइम, आखिर क्राइम होता क्या है। तो क्राइम का मतलब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोलेंगे, एक इंटेंशनल एक्ट है किसी लॉ को वॉयलेट करने का, कानून को तोड़ने का एक इंटेंशनल एक्ट, जान पूछ के किया गया कार्य जो कि लॉ को कानून को तोड़ रहा है। इंटेंशनल कमीशन ऑफ एन एक्ट, जिससे आप किसी को सोशली हार्म करो या डेंजरस हो, किसी के लिए डेंजरस हो, हार्मफुल हो, या ऐसा कोई एक्ट जो प्रोहिबिटेड है, यानी कि जिस पे बंदिशें लगाई गई हैं, या वो एक्ट पनिशेबल है क्रिमिनल लॉ के अंडर में, वो सब क्राइम कहलाता है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। कोई भी पर्सन जो है बिना किसी जस्टिफिकेशन के लिए एक ऐसा एक्ट करता है जो लॉ को वायलेट कर रहा है, इट इज नोन एज क्राइम। सिंपल, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो दिया हुआ है एक टर्म, सीन ऑफ अकरेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सीन ऑफ अकरेंस? सीन ऑफ अकरेंस वो जगह है जहां पर विक्टिम और परपिट्रेटर मिलते हैं। विक्टिम और परपिट्रेटर मिलते हैं, मतलब इस जगह पे क्राइम हुआ है, जिस कमरे में बैठी हूँ ये सीन ऑफ अकरेंस है, यहाँ पर ही जो है मेन जो है परपिट्रेटर और विक्टिम यहीं पर मिले थे। मुलाकात नहीं कर रहे थे कि आओ भाई चाय पे चर्चा करते हैं हम, और सुना परपिट्रेटर भाई क्यों आए हो, मुझे मारने आए हो क्या? चाय पे चर्चा करने बिल्कुल नहीं आते हैं वो लोग। वो आया है जो क्रिमिनल है, जो परपिट्रेटर है, वो यहाँ पर कुछ हार्म कॉज करने आया है, ठीक है, विक्टिम को हार्म कॉज करने आया। तो मेन जगह जहाँ पे परपिट्रेटर और विक्टिम है, उस जगह को हम सीन ऑफ अकरेंस बोलते हैं। कोई फिजिकल लोकेशन जहाँ पे क्राइम हुआ है या सस्पेक्ट जो है वहां पे पाया गया हो, ठीक है, या हो सकता था कि यहाँ पे सस्पेक्ट हो वो। अब जब इन्वेस्टिगेशन की हम शुरुआत करते हैं तो हम सीन ऑफ अकरेंस से ही इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द विक्टिम एंड द सस्पेक्ट, क्योंकि जहां पे मेन जगह जहां पे है, जहां पे क्राइम हुआ है, वहीं से आपको सबसे ज्यादा विक्टिम की और सस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। समझ में आ गई बात? अब जो है क्राइम सीन्स जो है वह उसमें क्या क्या मिलता है। क्राइम सीन में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पर्सन की बॉडी मिलेगी, ठीक है, यानी जो विक्टिम था उसकी आपको वहां बॉडी मिलेगी। बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग जो है वो पूरा का पूरा क्राइम सीन हो सकता है, पूरी बिल्डिंग में जो चोरी हुई हो, ठीक है, हर फ्लोर पर जो है सस्पेक्ट गया हो। कोई व्हीकल हो सकता है, एक व्हीकल भी क्राइम सीन में आता है, ठीक है, व्हीकल है, कार में, मान लो कार में या बस में जो है कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो वो भी एक क्या है, क्राइम सीन है। कोई ऑब्जेक्ट है इन लोकेशन पे मिले हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो भी जो है क्राइम सीन का पार्ट होते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि क्राइम सीन क्या होता है। आगे बढ़े अब हम। सीन ऑफ अकरेंस ऑल्सो कॉल्ड क्राइम सीन इज नॉट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो सीन ऑफ अकरेंस होता है
ये एरिया में लिमिटेड नहीं होता है, इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मे एक्सटेंड टू मोर देन वन प्लेस। मान लो ये भी सीन ऑफ अकरेंस है, इसके अलावा सामने वाली बिल्डिंग भी सीन ऑफ अकरेंस हो सकती है, ये पूरा का पूरा एरिया सीन ऑफ अकरेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्राइम हुआ, सस्पेक्ट यहाँ पे भी था, सस्पेक्ट वहां पे भी गया, तो सीन ऑफ अकरेंस कभी भी एरिया वाइज लिमिटेड नहीं होता है, वो कितना भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अब एरिया किस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्राइम है। मान लो कि क्राइम जो है वो किसी गाड़ी में कमिट हुआ है, यानी कि वो गाड़ी चल रही थी, चलती चलती गाड़ी में क्राइम हुआ है, तो जहां से चालू हुई है ना वो गाड़ी चलना और जहां जाके रुकी है वो गाड़ी, वो पूरा एरिया सीन ऑफ अकरेंस में आ जाएगा। वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्राइम सीन कहलाएगा बेसिकली। तो क्राइम सीन का एरिया इस पर डिपेंड करता है कि क्राइम सीन, क्राइम जो है वो किस तरीके का किया गया है। कभी भी दो क्राइम सीन सेम नहीं होते हैं, ठीक है, दो क्राइम सीन्स कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। मोडस ऑपरेंडी सेम हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय मोडस ऑपरेंडी? अभी मैंने एक नया वर्ड ऐड कर दिया, मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कि किस तरीके से क्राइम किया गया है। कोई एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं, एक मतलब मुझे जो अभी फिलहाल में केस याद आ रहा है, चड्डी गैंग का अगर केस सुना हो, तो ये एक ऐसी गैंग थी जो बेसिकली इसके जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे चड्डी बनियान गैंग के नाम से जाने जाते थे। ये लोग क्या करते थे, चड्डी बनियान ही पहनते थे, मुंह पे मास्क लगाते थे, पूरी बॉडी पे ऑयल लगाते थे। इस पर एक वेब सीरीज भी आई है, अगर किसी ने देखी हो तो, आई थिंक डेली क्राइम के नाम से है वो वेब सीरीज। तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि इस तरीके से वो रेडी होते थे और वो हमेशा जो है ब्लंट ऑब्जेक्ट्स लेके या फिर जो है जाते थे हमेशा बुजुर्गों के घर में। अमीर जो लोग होते थे, अमीर बुजुर्ग लोग जो होते थे उनके घर जाते थे, पहले तो उनको बुरी तरीके से मारते थे और फिर उनके यहाँ लूट करते थे। तो ये उनका तरीका था, बहुत बुरी तरीके से उनको मार के और फिर वहां पर लूट करते थे। और हमेशा बुजुर्ग जो होते थे उनको पता रहता था इनके घर में कोई नहीं है, ये अकेले रहते हैं, भाई पैसे वाले हैं, तो ये वहां जाते थे। पहले ये पूरी उनकी जो है हिस्ट्री निकाल लेते थे, रात में जाते थे, मारते थे, लूटते थे और आ जाते थे। और हमेशा यही चड्डी बनियान गैंग थी, चड्डी बनियान पहन के जाते थे और हमेशा पूरी बॉडी पे ऑयल लगा के, जैसे कि अगर कोई उन्हें पकड़े तो वो ऐसे स्लिपरी रहे और वो निकल जाए वहां से, बात समझ गए। तो ये मोडस उनका तरीका था, ये जब भी कहीं भी क्राइम करते थे ये ऐसे ही क्राइम करते थे। तो दिस इज नोन एज मोडस ऑपरेंडी, क्रिमिनल का क्राइम करने का जो एक तरीका है वो होता है मोडस ऑपरेंडी, समझ गए। अब देखो, क्राइम सीन जो है वो हमेशा वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, क्राइम सीन के साथ साथ में आपको अंदर इसके जो चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे चीजें प्रेजेंट हैं इनको भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सबको प्रोटेक्ट करोगे आप, क्यों? क्योंकि आप अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कंटेमिनेट हो सकते हैं। क्राइम सीन समझ में आ गया। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम सीन, क्राइम सीन को आप क्लासीफाई करो। तो क्राइम सीन को हम तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक है अकॉर्डिंग टू द सीन, सीन के हिसाब से किस तरीके का सीन है। तो ये हो सकता है, मैं दूसरा कलर का पेन ले लूं, इंडोर क्राइम सीन। इंडोर क्राइम सीन यानी कि पूरा पैक्ड है, ये चार दीवारी, चार, एक दो तीन चार, मतलब आठों साइड से जो है प्रोटेक्टेड है, तो एक इंडोर क्राइम सीन होता है। एक आउटडोर क्राइम सीन होता है कि यानी जो है ये आसमान के नीचे हो रहा है, खुली जगह में हो रहा है, दैट इज आउटडोर क्राइम सीन। और एक और इसमें आप ऐड कर लो, मोबाइल क्राइम सीन। मोबाइल क्राइम सीन का मतलब होता है कि जो चलते हुए मोशन में थी कोई भी चीज और उसकी इसके अंदर यहाँ पे क्राइम अकर हुआ है, तो वो होता है मोबाइल क्राइम सीन। अब देखो लोकेशन के हिसाब से प्राइमरी क्राइम सीन और सेकेंडरी क्राइम सीन, ये समझना बहुत ध्यान से। प्राइमरी क्राइम सीन वो क्राइम सीन है जहां पे मेन जगह पे क्राइम हुआ है। जैसे कि मान लो अगर किसी क्रिमिनल ने क्या करा है, किसी क्रिमिनल ने एक विक्टिम था उसको मार डाला, मर्डर करा उसने, मर्डर करा, वो प्राइमरी क्राइम सीन हो गया। अब उसने वो बॉडी ली और दूर जंगल में जाके वहां पे गड़ा दी, ठीक है, तो क्या होगा, वो होगा सेकेंडरी क्राइम सीन। हो सकता है उसने आधी बॉडी यहाँ डाली हो, आधी बॉडी कोई दूसरी लोकेशन में डाली हो। वो वाला केस सुना है आपने, श्रद्धा, आफ्ताब श्रद्धा का केस जो आपने सुना, उसमें क्या करा था उस लड़के ने, यही करा था ना कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा,
ठीक है, टुकड़े टुकड़े करे और उसके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग लोकेशंस पे जाके उसने जो है डिस्पोज किया था, कहीं गड़ा दिया, कहीं फेंक दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो ये क्या था, ये प्राइमरी क्राइम सीन उसका खुद का फ्लैट था। अब सेकेंडरी क्राइम सीन जो था वो अलग अलग लोकेशंस पे जाके उसने जो काम किया है वो था, समझ गए। तो प्राइमरी क्राइम सीन होता है, सेकेंडरी क्राइम सीन होता है। अब अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के बेसिस पे मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दो हो सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक यानी कि लार्ज, बहुत बड़ा क्राइम सीन है। माइक्रोस्कोपिक यानी कि छोटा सा क्राइम सीन है, एक कमरे के अंदर ही हुआ है या फिर एक छोटे से व्हीकल के अंदर हुआ है, तो वो जो है छोटा सा क्राइम सीन हो जाता है। समझ में आ गया, ये हो गए आपके टाइप ऑफ क्राइम सीन। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे देखो जनरल गाइडलाइंस की अगर हम बात करें कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर क्राइम सीन पर पहुंचता है तो उसको क्या करना होता है, तो देखो क्राइम सीन प्रोसीजर समझो, वो मैं 7S बाद में बताऊंगी, पहले तो जाके आपको अच्छा चलो सुन लो। जब भी आप किसी भी क्राइम सीन पर पहुंचोगे एज एन इन्वेस्टिगेटर, अगर आप किसी क्राइम सीन पर पहुंच रहे हो, तो सबसे पहले सिक्योर द क्राइम सीन। देखो इसके भी पहले एक ड्यूटी होती है, एक वो होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर एट क्राइम सीन, फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो व्यक्ति होता है जिसने सबसे पहले देखा है कि यहाँ पे कोई घटना हुई है और उस घटना की खबर वो पुलिस को जाके देता है। और मान लो वो वहां पे नहीं गया और सबसे पहले जो उस क्राइम सीन में एंटर हुआ, ही इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अब वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की पहली ड्यूटी ये होती है कि वो अगर वहां पर कोई विक्टिम प्रेजेंट है, कोई पर्सन है, कोई विक्टिम है जो कि अलाइव है, जो कि जिंदा है, उसको फर्स्ट एड की जरूरत है, तो सबसे पहला काम है कि उस पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाना है, बाकी की बातें आगे करेंगे। सबसे पहले उसकी जान बचानी है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहली बात तो वो पर्सन होता है जिसने सबसे पहले वहां पे देखा कि क्राइम सीन अकर हुआ है, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर की यही ड्यूटी होती है कि वो सबसे पहले विक्टिम को फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएगा, समझ गए। अब मान लो एक सेकेंड सिनेरियो हो सकता है कि अब जो है ऑलरेडी डेड है पर्सन, ठीक है, अब वहां बॉडी ही है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर अब कौन होगा, पुलिस वाले होंगे कोई, ठीक है, कोई जो है इन्वेस्टिगेटर होगा, कोई आईओ होगा। तो जो पुलिस वाले पहले वहां पे पहुंचे हैं उनकी अब इस कंडीशन में पहला ड्यूटी रहेगी क्राइम सीन को सिक्योर करना। दूसरी ड्यूटी ये ध्यान देना कि भाई ये मैंने शायद पढ़ाया है आपको अभी, पहले की जो क्लासेस हुई उसमें मैंने पढ़ाई है ये सब चीजें। विटनेसेस को सेपरेट करना, ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सेपरेट दी सीन, सीन को सेपरेट कर लो, फिर विटनेस सॉरी सिक्योर दी सीन, सिक्योर कर लो आप चारों तरफ। सिक्योर कैसे करोगे आप, सिक्योर करने का तरीका होता है कि आपके पास में वो टेप होना चाहिए, वो येल्लो कलर के टेप, देखिए सीआईडी तो हमने देखा ही होगा ना, असली में नहीं देखे आपने येल्लो कलर के टेप, बट जो है आपने यहाँ पे उसमें देखे होंगे। चलो मैं चाय पी लूँ फिर बताऊंगी आगे। तो वो जो येल्लो कलर के टेप होते हैं उससे आपको सिक्योर करना है। मान लो वो नहीं है तो रस्सियां बांध के सिक्योर कर दो, रस्सियां भी नहीं है तो ऑफिशियल व्हीकल्स होंगे वो सिक्योर कर दो, वो भी नहीं है तो पुलिस वाले ढेर सारे हों अगर तो वो खड़े हो जाओ सिक्योर कर लो। ये तरीका होता है क्राइम सीन को सिक्योर करने का। इसके बाद में सिक्योर करने के बाद में वहां पे स्कैन द सीन, सीन को स्कैन करो। क्राइम सीन को स्कैन करने का मतलब ये नहीं मोबाइल लेके स्कैनर निकाल के स्कैन करना है, स्कैन द क्राइम सीन मतलब कि वहां खड़े होके आप चारों तरफ बहुत ध्यान से देखोगे, एक जो है बर्ड आई व्यू आपको ले लेना है कि अच्छा यहाँ पे ये ऐसा ऐसा जो चीजें हैं वो दिख रही हैं। सीधा सीन वही बात है, अब जाओ अंदर जाओ, आप सीन को देखो क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है यहाँ पे, कंटेमिनेट नहीं करना है, गोल चक्कर नहीं मारने लगना है, सिर्फ देखना है। स्केच द सीन, अब आपको स्केच बनाना है, एक बनेगा रफ स्केच जो एकदम तुरंत बन जाता है, एक बनेगा फिर फिनिश्ड स्केच। फिनिश्ड स्केच में जो है बाकायदा आप मेजरमेंट लेके स्केच बनाते हो, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सर्च द एविडेंस, सर्च करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स लगाएंगी, मैंने मेथड्स पढ़ाई हुई है जल्दी से बोलो, फटाफट से मेथड्स के नाम बताओ, कौन कौन सी सर्चिंग मेथड्स होती हैं बोलो फटाफट से चैट में बताओ मुझे। चार मेथड्स बचाए बताई थी मैंने, कौन कौन सी, लाइन, ठीक है, और इसी को हम स्ट्रिप बोलते हैं, ग्रिड, लाइन हो गई, स्ट्रिप हो गई, ग्रिड हो गई, फिर जोन, वेरी गुड, जोन मेथड लगाते हैं, और व्हील, स्पाइरल, पांच हो गई, ये है स्पाइरल, ये स्पाइरल है। व्हील में क्या था, ये होती है स्पाइरल में इनवर्ट टू आउटवर्ड, आउटवर्ड टू इनवर्ड। व्हील कैसी होती है,
वीरा से पिज्जा स्लाइसेस की जगह जैसी होती है ना, ऐसी मैंने बताई थी ये। यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, 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 यहां से यहां। ठीक है, समझ गए? तो ये सारी मेथड्स मैंने बताई थी। सिक्योर द एविडेंस, सर्च द एविडेंस में सर्च करने के लिए आप कोई भी मेथड लगाओगे, सर्च करोगे, फिर सिक्योर करो सारे एविडेंसेस को, कलेक्ट करो एविडेंसेस को। ये होते हैं 7S: सिक्योर द सीन, सेपरेट द विटनेस, स्कैन द सीन, सी द सीन, स्केच द सीन, सर्च फॉर द एविडेंस, सिक्योर एंड कलेक्ट द एविडेंस। समझ गए? आगे बढ़े हम। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रही हूँ या बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रही हूँ। ये जो पेस है ना, कई बार मुझे समझ में नहीं आता। तो तुम लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि स्पीड सही है या नहीं है, या तेज है या कम है, तो मैं थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर लूंगी। ठीक है, अब देखो क्राइम सीन में एक प्रोसीजर होती है जो फॉलो करनी होती है। सबसे पहली चीज रिकॉग्निशन। ठीक है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि क्राइम सीन है कौन सा। सिंपल सी चीज है, रिकॉग्नाइज करा आपने। इसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन, आप उस क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करोगे। वो जैसी स्टेज में, ओरिजिनल स्टेज में उसको डॉक्यूमेंट करना है, आप इसके लिए क्या करोगे, नोट मेकिंग। अभी हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या है। नोट मेकिंग, फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी के बाद में वीडियोग्राफी, स्केचिंग, ठीक है, और स्केचिंग, ये होती है डॉक्यूमेंटेशन की मेथड्स। फिर करते हैं हम कलेक्शन, एविडेंसेस का कलेक्शन करते हैं हम, प्रिजर्वेशन करेंगे हम, प्रिजर्व करने के बाद में हम लेबलिंग करेंगे। जो भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, हम जिसमें पैक कर रहे हैं उसके ऊपर हम उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो मेंशन करते हैं। लेबलिंग के बाद में हम कर देते हैं इसे फॉरवर्ड। फॉरवर्ड किसको करेंगे हम, FSL को। FSL में फॉरवर्डिंग लेटर के साथ में हमने जो है यहाँ पे भेज दिया अपना एविडेंस, अब किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए। समझ गए, ये एक प्रोसीजर होती है। अब इसके बाद में देखो, ये सेम चीज यहाँ पे लिखी है, रिकॉग्निशन ऑफ फिजिकल एविडेंस। अब आपने यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं, एविडेंसेस की बता रही हूँ, वो क्राइम सीन का था। अब क्या करोगे, एविडेंसेस का रिकॉग्निशन करना है, फिजिकल एविडेंसेस का, उन्हें आइडेंटिफाई करना है कि बायोलॉजिकल एविडेंस है, केमिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, कौन सा एविडेंस है। फिर आप कंपैरिजन करोगे। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज पहुंच चुकी है FSL। एक्चुअली में अब समझना चीज, हमने वहां पे कलेक्ट करा, पैक करा, लेबल करा, फॉरवर्ड कर दिया FSL में। अब यहाँ पे हम FSL के अंदर की बात कर रहे हैं, हम FSL के अंदर हमें सारा का सारा जो एविडेंसेस थे वो मिल चुके हैं, सारे बॉक्स पैक होके बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास आए हैं। तो हम उनमें से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये बायोलॉजिकल एविडेंस है, केमिकल एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, कौन सा एविडेंस है। अब मिलने के बाद में हम इस पे जो है इसको कंपेयर करेंगे। कोई एविडेंस मिला, मान लो हमारे लिए जो है ब्लड मिला, तो हम उसको स्टैंडर्ड को क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे कि ये ब्लड था, हमें पता चल गया कि हाँ ये ब्लड ही है, कंफर्म हो गया। हम उसमें ये पता लगाएंगे कि ये ब्लड किसका था, इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे, या हम DNA एनालिसिस करेंगे, मतलब कुछ भी करेंगे। अब हम टेस्ट लगा रहे हैं, हमें रिजल्ट देना है यहाँ पे। इसके बाद में अगर रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है क्राइम सीन का, तो हम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन भी करेंगे और रिपोर्ट राइटिंग, अपनी राइटिंग मतलब रिपोर्ट देंगे फिर फाइनल। अच्छा, आपको याद होगा मैंने अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को वो वाला एक क्राइम सीन बताया था, जिसमें गोवा मर्डर केस जो था, जिसमें एक लेडी ने, अब गोवा मर्डर केस से बैंगलोर मर्डर केस जो भी बोल लो, वो लेडी बैंगलोर की थी, गोवा घूमने के लिए गई थी, गोवा में उसने अपने बच्चे का मर्डर किया था, याद है कि नहीं, मैंने आपको बताया था। उसमें भी पता क्या किया गया था, उसमें रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए उस लेडी को उस होटल वापस ले जाया गया और उस होटल की रूम में जो है रिकंस्ट्रक्शन हुआ क्राइम सीन का, समझने के लिए कि बेसिकली इस रूम में क्या घटना हुई थी। समझे बात को, तो मुझे रिकंस्ट्रक्शन से याद आ गई ये बात। तो रिकंस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद में जो है रिपोर्ट लिखी गई, इस तरीके से जो है प्रोसीजर फॉलो की जाती है। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे काम होता है। अब प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन की अगर हम बात करें, तो कैसे प्रोटेक्शन करना होता है, ये मैंने आपको बताया कि जो है सबसे पहले प्रायोरिटाइज ऑफिसर्स सेफ्टी, देन द सेफ्टी ऑफ अदर्स ऑफ द सीन। भाई ये जरूरी है ऑफिसर्स की सेफ्टी, पता चले क्राइम सीन पे पहुंचे वहां ऑलरेडी 4-5 गुंडे प्रेजेंट हो, गोली मारी मार के सब निपटा दिया, तो ऐसा भी नहीं है। ऑफिसर की सेफ्टी हो, उसके बाद में सीन की सेफ्टी हो। अब क्लियर द सीन टू मेक श्योर नो वन इज हाइडिंग, चेक करो भाई कोई छुपा तो नहीं बैठा सीन, क्राइम सीन में पलंग के नीचे छुप के बैठा हो, तो ये भी देख लो। डॉक्यूमेंट द मूवमेंट ऑफ अदर्स एट द सीन,
अब सीन के चारों तरफ ये भी देखो कि जो लोग खड़े हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार जो है सस्पेक्ट जो होता है ना, वो इतना चालाक होता है कि वो वहीं प्रेजेंट है, जस्ट टू मेक श्योर कि वो उस पर कोई शक ना करे, तो वो वहीं खड़ा हुआ होता है। ऐसा पॉसिबल है? तो आप सबको देखो वहां पे कितने लोग खड़े हैं, किस तरीके का कौन बिहेव कर रहा है, जो बहुत ज्यादा ओवर बता रहा है चीजें, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो थोड़ा सा हमें उस पर भी जो है डाउट हो जाता है कि यार ये इतना क्यों बता रहा है, इसको क्यों इतना इंटरेस्ट आ रहा है। फिर इसके बाद में सेपरेट विटनेसेस जो है, आपको लग रहा है कि ये विटनेसेस इनको सेपरेट करो, क्योंकि क्या होता है वही बात है ना, मुझे कोई बात पता चली, मैंने जाके मुझे इसने एक बात बताई, ठीक है। अब इसने कहा यार प्लीज किसी को बताना नहीं, मैंने कहा नहीं 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 मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब जाके मैंने वो अपनी दूसरी फ्रेंड को बता दी और उसमें थोड़ा सा तड़का भी लगा दिया, मेरी उस फ्रेंड ने जाके किसी तीसरे को बताई अपना मिर्च मसाला लगा के। तो क्या होता है कि बातें जो है वो बनने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ से यहाँ जब बातें होंगी, जब आपस में लोग डिस्कशन करेंगे ना, तो मैनिपुलेट हो सकती है बातें। इसलिए हमेशा ध्यान रखो विटनेसेस को सेपरेट करके रखो, टच और मैनिपुलेट एज लिटिल एज पॉसिबल। कोशिश करिए एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप वहां पे कम से कम चीजें छुएं और कम से कम इधर का उधर सामान करें, क्योंकि आप टच करोगे तो वो वहां पे जो है कंटेमिनेशन की जो है चीज ज्यादा बढ़ेगी, कंटेमिनेशन ज्यादा होगा। यूज अ क्राइम सीन टेप, वो येलो कलर का जो टेप मैंने बताया था, क्राइम सीन टेप लो, उसको प्रॉपरली जो है सिक्योर करो एरिया को। पोस्ट एन ऑफिसर एट द क्राइम सीन टेप, भाई जो है एक ऑफिसर लगाओ जो देखे कि कहीं से कोई अंदर ना आ जाए। इसके बाद में बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करो कि आपको इंटरव्यू करना है, एग्जामिन करना है, फोटोग्राफी करना है, स्केचिंग करना है और बाकी की जो प्रोसेस है वो करनी है। फिर थ्री मोस्ट कॉमन मेथड आपको लगानी है, नोट मेकिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, ये सब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बस ये पॉइंट्स मेंशन है। इसके बाद में आप क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, हमेशा क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, पहले तो ये जान लो। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हमें ओरिजिनल कंडीशन, क्योंकि इसके बाद में तो क्या होगा कि हम सामान उठा लेंगे, ठीक है, इधर का उधर भी सामान हो जाएगा, तो हमें एक ओरिजिनल कंडीशन बतानी पड़ेगी ना। तो हम हर एंगल से जो है फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, स्केचिंग करेंगे, क्योंकि ये क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के दौरान में ये सब चीजें काम आती हैं। तो चार मेन तरीके होते हैं क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट करने के। पहला तरीका है नोट मेकिंग, दूसरा तरीका है फोटोग्राफी, तीसरा तरीका है वीडियोग्राफी और चौथा तरीका है स्केचिंग, ठीक है। ये सब चीजें जो है ये की जाती है, जैसे भी नेसेसिटी होगी, जैसे भी रिक्वायर्ड होगा। अब जो है एक्चुअली वीडियोग्राफी जो है वो इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है, वीडियोग्राफी बहुत ही रेयर केसेस में होती है, नहीं तो सिर्फ स्केचिंग, फोटोग्राफी और नोट मेकिंग से हमारे यहाँ पे काम चल जाता है। अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये सब होते क्या है। सबसे पहले नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट्स बनाना। नोट्स बनाते हो ना, कॉपी में नोट्स बनाते हो, तो वही चीज है कि आप जो है शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स, कभी अगर देखा हो, मान लो किसी ने कभी क्राइम सीन विजिट करा हो टीम के साथ में, देखा होगा कि एक पर्सन के हाथ में हमेशा पेन कॉपी होती, सब लिखता ही जाता है, उसको एक ही काम होता है नोट्स बनाने का, जो कुछ भी है लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो चीजें हैं आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है, देखो अराइवल कितने बजे पहुंचे, क्राइम सीन कैसा है, डेट एंड टाइम क्या है, विक्टिम कौन है, किस कंडीशन में है, तो ये सब चीजें आपको जो है नोट करनी होती हैं, हाथ से ही सब कुछ नोट करना होता है। अब इसके बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट शुड कंसीडर डब्लूज व्हाइल मेकिंग दी नोट्स, हु, डब्लूज का मतलब क्या है यहाँ पे, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है, ये सब चीजें जो है ये नोट होनी चाहिए। ये हो गई नोट मेकिंग की बात। दूसरी चीज आती है, ओके, यहाँ पे और भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, टाइम मैथ होनी चाहिए, मेथड ऑफ नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, अराइवल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखोगे, ट्रांसपोर्टेशन, नंबर ऑफ पर्संस प्रेजेंट एट द क्राइम सीन, ये सब, सीन कैसा था, वेदर, इट इंक्लूड वेदर, ठीक है, लोकेशन टाइप, कंडीशन, मेजर स्ट्रक्चर, क्लोथिंग, फर्नीचर, वेपन प्रेजेंट, कोई वेपन प्रेजेंट है क्या, ये सब भी होना चाहिए नोट मेकिंग में। विक्टिम का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पोजीशन ऑफ बॉडी, वूंड्स कहाँ कहाँ है, क्लोथिंग कैसा है, ज्वेलरी है या नहीं है, आइडेंटिफिकेशन,
कौन है वो पर्सन ये पता चल जाए तो ये भी लिखना है। तो ये सब चीजें नोट्स में लिखी जाती हैं, कहानी नहीं लिखी जाती है कि जो साहब थे वो आए, साहब ने ऐसा किया, नहीं ये सब नहीं लिखा जाता है। नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, अराइवल इन्फॉर्मेशन, सीन डिस्क्रिप्शन, विक्टिम डिस्क्रिप्शन, समझ गए, ये लिखना है। इसके बाद में दूसरी आती है फोटोग्राफी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये करना बहुत जरूरी है। तो एक फॉरेंसिक फोटोग्राफर होता है, ठीक है, फॉरेंसिक फोटोग्राफर होता है जो फोटोग्राफी करता है, एक्सपर्ट है ये, ठीक है। फॉरेंसिक फोटोग्राफर क्या करेगा, क्लियर फोटोज लेनी है, पूरी डिटेल फोटोग्राफी होनी चाहिए एविडेंसेस की, विक्टिम की, बॉडी की, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। क्राइम सीन फोटोग्राफी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो एक ट्रू और पिक्टोरियल रिकॉर्ड आपको दे रही है क्राइम सीन का, साथ ही में फिजिकल एविडेंसेस जितने वहां प्रेजेंट थे सबका। इसके बाद में ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो कि आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हो, ये एक प्रूफ है कोर्ट को दिखाने के लिए, समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखो, जो क्राइम सीन फोटोग्राफी होती है उसमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कि कैमरा, कैमरा कौन सा, SLR कैमरा 35 MP मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। नॉर्मल लेंसेज लगते हैं, 50-60 mm के लेंसेज यूज होते हैं, ट्राइपॉड चाहिए, फ्लैश लाइट चाहिए, फोटोलॉग शीट्स चाहिए, ये सब चीजें चाहिए होती है फोटोग्राफी करने के लिए। इट शुड बी नोटेड दैट एवरी फोटोग्राफ दैट इज बीइंग टेकन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ फोटो लॉग विच इंक्लूड, एक फोटो लॉग होता है जिसमें टाइम टेकन, फोटो कब ली गई, रोल नंबर, एक्सपोजर नंबर, कैमरा सेटिंग कैसी थी, टाइप ऑफ फोटो टेकन एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोटोग्राफ, ये सब होना चाहिए। एक चीज यहाँ पे स्केल मेंशन नहीं है क्या, कि हम हमेशा स्केल रख के लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली मेंशन नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया है, वो ये है कि जब आप यहाँ पे एविडेंसेस की फोटोग्राफी ली जाती है, ठीक है, जब फिजिकल एविडेंसेस की फोटोग्राफी ली जाती है, मान लो कोई नाइफ रखा है, ठीक है, मान लो कोई नाइफ रखा हुआ है इस तरीके से पड़ा हुआ है नाइफ, अब इसकी फोटोग्राफी हो रही है, इसकी फोटो ली जा रही है, तो हम डायरेक्ट ऐसे फोटो नहीं लेंगे, हमेशा क्या होता है इसके बाजू में एक स्केल रखते हैं हम, यहाँ पे हमने ये स्केल रख दिया, स्केल रखने के बाद में ही जो है यहाँ पे फोटो ली जाएगी, क्यों, क्या रीजन है, कोई बता सकता है क्या, स्केल क्यों रखा जाता है भाई, स्केल क्योंकि आप फोटो में नहीं बता सकते ना कि कोई कितना बड़ा है, कोई कितना छोटा है, साइज में क्या है, लेकिन जब हम स्केल रख देते हैं साइड में तो एक्चुअल साइज हमें समझ में आ जाती है किसी भी फिजिकल एविडेंस की। तो सारे एविडेंसेस के पास में एक मेजरिंग टेप या स्केल रख के जो है फोटो ली जाती है, समझ गए। अब वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन इन द फॉर्म ऑफ क्लियर एंड हाई क्वालिटी वीडियो, हाई क्वालिटी वीडियो जिसमें क्राइम सीन, एविडेंस, विक्टिम की बॉडी सबको वीडियोग्राफ किया जाता है। ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं होती है, इंडिया में फोटोग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में वीडियोग्राफी होती है, हाँ लेकिन जब ऑटोप्सी होती है उस टाइम पर ज़रूर जो है वीडियोग्राफी का जो है वो रूल है, दिन में ही होनी चाहिए ऑटोप्सी, ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम, ठीक है, दिन में ही होना चाहिए, रात में पोस्टमार्टम्स नहीं होते हैं, और साथ ही में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है ऑटोप्सी का, ध्यान रखना। चलो तो यहाँ पे क्या बता रहे थे हम, टॉपिक से इधर पहुंच जाते हैं, हम वीडियोग्राफी जो है, हम क्राइम सीन की वीडियोग्राफी की बात कर रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग यूजिंग अ प्ले कार्ड, वीडियो शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन अ प्ले कार्ड विच इंक्लूड डिटेल्स, इसमें भी सारी डिटेल्स हों, केस नंबर, डे, टाइम, लोकेशन, वीडियोग्राफर का नेम, किसने वीडियो लिया है, ये सब भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब ये सब वीडियो के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्राइम सीन कैमरा टेक्निक्स दी हुई हैं, ओरिजिनल, ओके ये इतना आपको डीप नहीं जाना, बस इतना ही जान लो। हम स्केचिंग को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्केचिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, फोटोग्राफी को इंपॉर्टेंट मानते हैं, स्केचिंग और नोट मेकिंग तीन बहुत मेजर चीज़ें होती हैं। अब स्केचिंग क्या है, क्राइम सीन की स्केचिंग की जाती है, जैसे ही कोई क्राइम सीन पे आप पहुंचते हो तो वहां पे सबसे पहले एक रफ स्केच, रफ स्केच क्या, यानी आपको स्केल, पेंसिल, शेडिंग, ड्राइंग नहीं करना है, आपको जो समझ में आ रहा है, आपके पास में एक पेपर है, उस पर वैसा का वैसा फटाफट ड्रॉ करना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक एविडेंस है, यहाँ पे जो है बॉडी पड़ी हुई है, और यहाँ पे दूसरी बॉडी पड़ी हुई है, यहाँ पे ब्लड स्टेन है, यहाँ पे ऐसा है, ऐसे करके आपको फटाफट से जो है एक रफ स्केच बना लेना है,
समझ गए। तो स्केचेस दो टाइप के होते हैं, एक रफ स्केच और एक फिनिश्ड स्केच। तो आपको रफ स्केच में जो है मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से आपको बनाना है। यहाँ पे डोर है तो डोर बना दो, यहाँ पे विंडो है मान लो, यहाँ पे एक और रूम है तो ऐसा रूम बना लो, यहाँ पे एक और ऐसा बना लो, तो ये रफ स्केच बन रहा है। यहाँ पे एक विंडो है, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक डोर है, ऐसे करके आप ड्रॉ कर लेते हो, समझ गए बात को। अब इसके बाद में जो है जो फिनिश्ड स्केच बनता है बेटा, फिनिश्ड स्केच में पूरे मेजरमेंट के साथ में पूरा नाप के एक एक चीज नापी जाती है, ठीक है। उसको फिर हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके अपनी जो हमारी स्केच करने की जो पेज है उसमें हम वो करते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिनिश्ड स्केच बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, या एक चीज और ध्यान रखना, एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, एविडेंस की लोकेशन कौन कौन सी है, एग्जैक्ट लोकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। ये जो है ये फिनिश्ड स्केच बना हुआ है इस साइड वाला, ये जो है ये रफ स्केच है, आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे है जनरल लेआउट जो है क्राइम सीन का होना चाहिए। अब एक चीज देखो, इसमें तुमको दिख रही होगी यहाँ पे नीचे ये क्या मेंशन है, ये है यहाँ पे जो है बेसिकली इसको लिगैंड बोलते हैं, यानी कि इसमें हमने अगर मान लो कोई साइन बनाए हुए हैं, किसी चीज का कोई साइन हमने लिखा है, तो जैसे हमने यहाँ पे एविडेंस के लिखा है 1, 2, 3, ठीक है, ये एविडेंस 4, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, 3 पे क्या था, या हमने कोई साइन यूज करे, ट्राइंगल यूज करे है, सर्किल यूज करे है, तो हमने वो क्या डिनोट करने के लिए यहाँ पे यूज करे हैं वो हम इसमें नीचे सब मेंशन करते हैं। इसके बाद में ये स्केच किसने बनाया, यहाँ पे भी डिटेल होती है, यहाँ पर भी डिटेल्स होती है, केस नंबर, इंचार्ज, किसने बनाया है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे लिखनी होती है स्केच में, जब स्केच बनता है तो, समझ गए। अब इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अ स्केच मस्ट हैव अ टाइटल ब्लॉक, एक टाइटल ब्लॉक होना चाहिए जिसमें केस नंबर, एजेंसी नंबर, ये ठीक है, नेम, टाइटल ऑफ द आर्टिस्ट, लोकेशन ऑफ द सीन, डेट एंड टाइम, विक्टिम्स नेम, ये सब होना चाहिए। फिर आइडियली टाइटल ब्लॉक शुड अपियर इन द लोअर राइट कॉर्नर, इन द लोअर राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर पे होना चाहिए यार। अब इसमें ये एक तो ना ऐसे फोटो में राइट लेफ्ट में थोड़ा गड़बड़ होता है, बस इतना ध्यान रख लो। इसके बाद में आ जाओ, अब स्केच शुड हैव लिगेंड, जो मैंने बताया था लिगेंड होना चाहिए साइड में, जो है वो डब्बा बना था जिसमें मैंने आपको बताया था जो भी आपने साइन, सिंबल, लेटर या नंबर यूज करे हैं उनको आप यहाँ पर किस चीज को किस चीज के लिए डिनोट कर रहा है तो वो यहाँ मेंशन करोगे। एक कंपास एरो होना चाहिए हमेशा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ डिनोट करते हैं हम, नॉर्थ डायरेक्शन डिनोट करते हैं, एक कंपास एरो बनाते हैं हम। अगर इसमें मेंशन होगा तो मैं दिखाती हूँ किसी में, किसी स्केच में तो होगा, हाँ इसमें तो नहीं है, इसलिए काफी छोटी छोटी सी यहाँ पे फोटोज हैं तो हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ मेंशन है, लेकिन हम हमेशा ना स्केच में पहले नॉर्थ बनाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है हमारी उसके हिसाब से हम बनाते हैं, समझ गए बात को। अब देखो कभी मौका मिला तो मैं अपने दिखाऊंगी, अगर मुझे मिल गए मेरे बनाए हुए स्केचेस जो मैंने बनाए हैं, ये क्राइम सीन स्केचेस बनाए हैं हमने बहुत सारे, अगर मुझे मिल गए ना तो मैं दिखाऊंगी जरूर तुम लोगों को। चलो अब हम आते हैं, स्केच शुड हैव कंपास एरो, कंपास एरो होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा हो जो, बॉडी ऑफ द स्केच शुड कंटेन ड्रॉइंग इटसेल्फ, ऑल डैमेज ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड विद इन इट, ये सब होना चाहिए। अब देखो जो हम फिनिश्ड स्केच बनाते हैं बेटा, उसको बनाने की ना कुछ वो होती है, मेथड्स होती हैं, स्केचिंग मेथड जिन्हें हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन हम जो है मेनली तीन मेथड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ट्राइंगुलेशन मेथड, एक बेसलाइन मेथड और एक होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तीन मेथड यहाँ पे होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्राइंगुलेशन मेथड में क्या होता है ये समझो, ट्राइंगुलेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे जो है इट इज अ स्केचिंग मेथड यूज टू लोकेट लोकेशन ऑफ द एविडेंस एट द क्राइम सीन, इट इन्वॉल्व्स टू और मोर रेफरेंस पॉइंट, दो या दो से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट, हमेशा क्या होगा हम रेफरेंस लेंगे, किसी एक चीज का रेफरेंस लेंगे। जैसे मान लो कोई ओपन क्राइम सीन है, बहुत बड़ा जो है ग्राउंड का क्राइम सीन है, अब उस ग्राउंड में एक बड़ा सा पेड़ है, बड़ा सा पेड़ है, तो हमने उसको जो है एक पॉइंट हमने वो पेड़ मान लिया, एक पॉइंट हमने दूर कहीं पे ये दूसरा मान लिया और एक पॉइंट हमने ये मान लिया। अब हमने जो है यहाँ से ये और ये मान लिया, अब हम जितने भी मेजरमेंट्स लेंगे, अब हम यहाँ से लिया तो यहाँ पे एक एविडेंस हमने मार्क करा,
यहाँ से लिया तो ये एविडेंस, यहाँ से हमने ये एविडेंस, यहाँ से हमने ये एविडेंस, बेसिकली आप जो क्या कर रहे हो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से ही मेजरमेंट्स ले रहे हो आप। क्यों? जिससे कि पता तो रहे कि कौन सी चीज कौन कितने दूर है, तो आप बाकायदा जो है मेजरिंग टेप लेके उस बड़े से ग्राउंड में हर एक एविडेंस को मेजर करोगे और फिर आप जो है यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ये कितना था मान लो 2.3 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 फीट लिया है मान लो, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 फीट लिया है। समझ गए? अगर किसी ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करी ना, उनके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट था और हमने ज्योग्राफी में जो है काफ़ी स्केचेस बनाए हैं और इसी तरीके से बनाते थे, तो जब हम फॉरेंसिक में क्राइम सीन स्केच बनाया करते थे तो हमें काफ़ी आसान हो जाता था, क्योंकि हमें आदत पड़ गई थी ज्योग्राफी में इतने स्केचेस बना बना के। तो अगर कोई ज्योग्राफी लेके पढ़ा है उन्हें पता होगा कि जब आपको स्केचिंग कराई जाती है, मतलब आप जब जो है पूरा मैप बनाते हो बाहर का, तो इसी तरीके से आप बनाते हो, नॉर्थ डायरेक्शन लेके लिगेंड बनाते हो आप, एक पॉइंट लेके आप सारे मेजरमेंट्स लेते हो। तो ट्रायंगुलेशन समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं हम। पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड जो है वो आउटडोर क्राइम सीन के लिए होती है, एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब देखो ये जो इसके पहले मैंने ट्रायंगुलेशन मेथड बताई थी, ये आप इंडोर क्राइम सीन्स के लिए यूज कर सकते हो। इंडोर क्राइम सीन्स में आप यूज कर सकते हो, कमरा है, एक कमरा आपको बनाना है तो उसके लिए आप 3 पॉइंट ले लो, एक सेंटर में ले लो, एक वहां ले लो, एक वहां कोने में ले लो, ठीक है। अब लेकिन कोई बहुत बड़ी सी जगह है, वही मैंने बताया तो ग्राउंड वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें भी हम यही बोलेंगे, तो ऐसे सेंटर ऑफ द नाइफ इनने जो है सेंटर मान लिया। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई हम पॉइंट ले जो डिस्टर्ब ना होने वाला हो, जैसे मैंने ट्रे का एग्जांपल दिया था, नाइफ तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ऐसे हम कोशिश करते हैं कि यूजुअली हम ऐसा पॉइंट ले जो वहां पे हमेशा रहे। हमेशा का मतलब है एटलीस्ट वो एक फिक्स पॉइंट हो, परमानेंट पॉइंट हो जो डिस्टर्ब ना हो। तो हम कोई एक ऐसा सिंगल रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा जो है पूरा क्राइम सीन है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं सेंटर में ही हो, यहाँ पे है कोई भी एक मान लो कुआं है, यहाँ पे वेल है, तो हमने जो है इस वेल का ये वाला कोना मान लिया। अब हम जितने भी एविडेंस लेंगे सब यहाँ से मार्क करेंगे हम, ठीक है, जितने भी डिस्टेंसेज हैं हम सब यहाँ से मार्क कर रहे हैं और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे जो है अपना क्राइम सीन ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई पोलर कोऑर्डिनेट। फिर आता है आपका बेस लाइन। बेस लाइन में क्या होता है, बेस लाइन में हमने क्या करा, बिल्डिंग वन से लेके बिल्डिंग टू हमने 2 पॉइंट लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के, अब हमने इसी लाइन से मेजर करना है, यहाँ से ये एविडेंस है, यहाँ से ये एविडेंस है, यहाँ से ये एविडेंस है, यहाँ विक्टिम पड़ा हुआ है तो विक्टिम बना दो, लो ये विक्टिम पड़ा हुआ है, यहाँ पे है नाइफ पड़ा हुआ है ये बना दिया हमने, यहाँ जो है इस तरीके से, समझ गए ना आप। तो आपने एक लाइन बना दी है, अब उसी सिंगल रेफरेंस लाइन से आप सारा मेजरमेंट ले रहे हो। ज्योग्राफी वाले अगर कोई हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि आपने भी ये बेसलाइन मेथड लगाई होगी, जब हम क्या करते थे, एक लंबी सी चेन डालते थे, एक लंबी सी हमने चेन डाली सीधी 2 पॉइंट लेके, अब हम उस चेन से सब कुछ मेजर करते थे, याद है ना। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ज्योग्राफी जो है मेरा यहाँ पे काम आ रहा है, बहुत हेल्प होती है जब आप जो है दो सब्जेक्ट ऐसे आपने पढ़े हों जो कि आपके दोनों ही कहीं ना कहीं हेल्प दे रहे हो आपस में। तो लगता है ज्योग्राफी और फॉरेंसिक का क्या ही लिंक है, लेकिन हाँ इस चीज में लिंक है, कहीं कहीं लिंक हो जाता है। चलो अब फोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है वो यहाँ पे मेंशन है। सीन का डॉक्यूमेंट कर लेते हैं हम, एविडेंसेस का डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। फोटोग्राफी जो है वो एक तरीके से पूरी स्टोरी बता देता है आपको कि क्या कैसे हुआ था। समझ गए? ये हो गया हो गया हो गया, ओके। एविडेंस प्रोवाइड एविडेंस, मेजर प्रेशियस पोजीशंस, डॉक्यूमेंट लाइटनिंग, लाइटनिंग भी बता देता, रात का समय है तो वैसा रहेगा, दिन का समय है तो वैसा रहेगा। बहुत बढ़िया, खत्म हो चुका है अब हमारा ये लेक्चर। और ये यूनिट भी बहुत छोटी सी यूनिट थी, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत छोटी सी यूनिट थी। सिलेबस हमने देखा होगा, एक बार फिर से मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, इसके बाद में मैं आपको अभी क्वेश्चंस दूंगी, वो क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो ये है आपका सिलेबस,
जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया है वो मैं आपको बता दूं। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने पढ़ी है यूनिट नंबर 5, जिसमें हमने मीनिंग, टाइप, प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें हमने नोट टेकिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और स्केचिंग मेथड भी पढ़ी, फोटोग्राफी की इंपॉर्टेंस पढ़ी। जनरल गाइडेंस में आपके वही 7S आते हैं सीन ऑफ क्राइम में जो हम यूज करते हैं। एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट, अच्छा ये वाला टॉपिक समझना। एडमिसिबिलिटी इन कोर्ट का मतलब सिर्फ इसमें इतना ही है कि जो है आप इसके जो आपकी फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, ये कितने एडमिसिबल होते हैं। तो डेफिनेटली जब आप प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करोगे तो वो कोर्ट में मानी जाती है, समझ गए। अब आगे जो है आपकी यूनिट क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन में काफी सारी चीजें हैं, एलिमेंट ऑफ क्राइम सीन है। इसको हम पार्ट 6.1 और 6.2 दो पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि बड़ा यूनिट है, आपको भी दिख रहा है। अगर मैंने एक में पढ़ा दिया तो आपके जो दिमाग के फ्यूज है ना वो उड़ जाएंगे, तो एकदम से ओवरलोड भी नहीं करना क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको चीजें समझ में भी आए। तो ये हम जो है पूरा पढ़ेंगे और इसके बाद में दो पार्ट में पढ़ेंगे, दो दिन में ये यूनिट मैं खत्म कर दूंगी। फिर आएगा आपका IPC इंडियन पिनल कोड, ये मैं एक ही दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी कि आपको सारे सेक्शंस में एक दिन में पढ़ा दूं तो आप जो है फ्री हो जाओगे। तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस ऑब्वियसली है, काफी सिलेबस है, बट डोंट वरी, वी विल कंप्लीट इट सून, समझ गए। तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो किस चीज का इंतजार हो रहा है, जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में डाउट्स पूछ लेना। टेलीग्राम पे मैंने सारी बुक्स शेयर कर दी हैं, तो अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सिक्योरिंग द क्राइम सीन। क्राइम सीन को सिक्योर करने का प्राइमरी गोल क्या है? टू प्रिजर्व एविडेंस, टू कैच सस्पेक्ट, टू क्लीन अप द एरिया, टू प्रोटेक्ट द विक्टिम। कमेंट में आंसर दोगे इसके आप सभी लोग एक साथ, ऐसे आंसर देना कि क्वेश्चन 1 का बी आंसर होगा। आंसर नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है, ये सिर्फ मैं ऐसे दे रही हूँ। 2 का ए होगा, 3 का डी होगा, 4th का सी होगा और 5th का जो है जो कुछ भी होगा, वो ऐसे करके आपको सारे आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एविडेंस टिपिकली फाउंड एट क्राइम सीन। इनमें से कौन सा जो है एविडेंस क्राइम सीन पर नहीं मिलता है? फिंगरप्रिंट, DNA, आई विटनेस टेस्टिमनी या फुटप्रिंट, इनमें से कौन सा नहीं मिलता है? नेक्स्ट, CSI का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा गया है, एक्रोनिम का मतलब बताना है। नेक्स्ट, व्हाट डज चेन ऑफ कस्टडी रिफर्स टू इन द रिलेशन ऑफ क्राइम सीन एविडेंस। चेन ऑफ कस्टडी का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट इन डॉक्यूमेंटिंग अ क्राइम सीन। फोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है क्राइम सीन में, समझ गए। 5 क्वेश्चन आंसर देना है आपको। काफी बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप जो है क्वेश्चन डाला करो साथ में, क्वेश्चन नहीं डालते हो। तो मैंने शुरू के 3-4 लेक्चर में क्वेश्चंस नहीं डाले थे, बट मैंने अब ऐड कर दिए हैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। संडे को हम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व, ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, आगे भी जो है हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। टेस्ट जो है, एक्चुअली टेस्ट नहीं, हम क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे, यूनिट वाइज भी मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व जरूर कराऊंगी। इज दैट क्लियर? सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।